Sagalee, don't you dare do. Most respected Honorable MLA, sir. Hi, Leporiang Circle ka andar pe Langrok to Racing ka beach ye जो लिंक रोड पहले से बन चुका था वो भी पक्का रोड बना था, उसका बीच में ब्रिज नहीं था, तो ब्रिज कनेक्शन के लिए हम लोग ने सीआरएफ स्कीम से सेंशन लिया और इसका 7 करोड़ लेकर के ये आरसीसी ब्रिज प्रथम बार इस एरिया में बनाया है और ये समय में बन गया है। 2017 में शुरू किया और 19 में कम्प्लीट किया है और अब आज उसका उद्घाटन हुआ और ये 40 मीटर का ब्रिज है। अभी ये इस ब्रिज बनने के बाद ये रेसिंग बस्ती के लिए, लंगरों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, यहाँ का कम्युनिकेशन नेटवर्क आसान हो जाएगा। यहाँ में कुल मिलाकर के ये 2-3 गांवों का मिलाने से 500 पॉपुलेशन तो होगा। ये रोड कनेक्टिविटी का कब से शुरू होने वाला है? जो हो गया जो अभी जो कटिंग चल रहा है ये लेपुरियांग तो पप्पे संगो वाला जो PMGFI रोड है, परमिशन कटिंग कंप्लीट हो गया है। अभी ब्लैक टॉपिंग सेकेंड स्टेज का काम चल रहा है, वो कंप्लीट होने के बाद में ये करीब शायद 10-15 किलोमीटर होगा। हाँ, ये ब्रिज 40 मीटर स्पान का है और ये पापुमपारे जिला में सेकेंड ब्रिज है। पहला ब्रिज जो है हम लोग का जो डिक्रोंग ब्रिज न्यू जिली और दोईमुख का बीच को कनेक्ट करता है 250 मीटर का। ये सेकेंड ब्रिज है जो प्री स्ट्रेस पोस्ट टेंशन गार्डर ब्रिज का रूप में जो इधर लेंगरुक में आज निर्माण हुआ है और इसका उद्घाटन जो आज क्षेत्र का जो विधायक है और भूतपूर्व मुख्यमंत्री नाबम तुकी जी ने आज उसका उद्घाटन किया है और इनका जो लागत जो है ये 7 करोड़ का है और ये निर्माण जो 2017 में शुरू हुआ था और 2019 का नवम्बर में उसका समर्पण हो गया और इनका इसका ये इधर में इस ये ब्रिज से जो लाभ पहुँचेंगे इधर कम से कम 3 बस्ती है लेकिन संगो भी और अनेक बस्ती भी इधर लाभ पहुँचेगा और मिला के करीब 1500 जो है आपका जो पॉपुलेशन जो है इसका लाभ पहुँचेगा। सर, इसमें आपको क्या क्या तकलीफ आए जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन करने में, इंजीनियर टीम को और ये कंस्ट्रक्टर को? ये हालांकि ये जो ब्रिज जो है पहली बार ऐसा प्री स्ट्रेस टाइप कॉन्क्रीट ब्रिज इधर बनाया है और इधर में जो इनका कॉन्ट्रैक्टर मिलना अरुणाचल में प्री स्ट्रेस का बहुत तकलीफ हुआ, बल्कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको हम लोग ने दिया है मेपुंग इंटरप्राइज सगाली को, इन्होंने भी फर्स्ट टाइम ये ब्रिज को बनाया है, पहले ऐसा कभी ये ऐसा ब्रिज उन्हें काम किया नहीं, लेकिन इन्होंने खरा उतरा और काम करते समय बहुत अनेक परिस्थिति और परेशानी आया है क्योंकि जो इस बार मानसून जो है बहुत जल्दी आ गया था जिसका चलते हम लोग जब गादर कास्टिंग कर रहा था तो गादर गिरने से बच गया, लेकिन हम लोग का साथ जो हम लोग ने जो ये जो आपका सिस्टम बना के रखा था उसको निपटाने के लिए और उसका वजह से जो निर्माण जो है समय पे हो पाया। ये ब्रिज बनने के बाद आपको कितना फायदा मिला? ये ब्रिज जो तब से मान कर रहा था कितना तकलीफ हो रहा था, अब बनने का कितना लाभ हो रहा है? ये ब्रिज जो काफी फैले से जोरदार से हम लोग ब्रिज चाहिए, ब्रिज चाहिए, हमारा MLA को बोला था। MLA ने 2013 और 14 का बीच में सक्सेस कर दिया, सेंक्शन करा दिया, इसलिए मैंने MLA सर को भी थैंक्स। और हम लोग इतना साल से तड़प रहा था कि ब्रिज मिलना है, तो हम लोग ब्रिज आप देखिए नीचे में अभी तक है, लोक ब्रिज है वो हम लोग हर साल को जब बारिश समय आएगा जून जुलाई आएगा लेके जाएगा, इसका बाद हम लोग पैदल से पार करेगा, इसका बाद फिर समर सीजन आया विंटर सीजन आएगा तब हम लोग फिर से अपना लोक ब्रिज रोसोल सर्विस करके 2-3 बस्ती मिला के करता था। आज RCC ब्रिज बना के हम लोग के लिए बहुत खुश हो गया, स्वर्गो मिल गया। तो अभी आगे में यहाँ करीब ये आपका 3 बस्ती है, पपे संगो, ताब्यू, रेसिंग और लंगरुक का भी सुविधा है क्योंकि लंगरुक का खेती स्ट्रब में है, स्ट्रब आ गया ना और बस्ती उस्ट्रब हो गया, अभी बीमार के लिए प्रॉब्लम नहीं है और खेती के लिए आपदान के लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो इनपुट आउटपुट सब फ्री। इलेक्ट्रिसिटी बहुत पहले, रास्ता पहले आ गया था,
तो अभी इलेक्ट्रिक का बाद रास्ता आया है और अभी रास्ता आने का बाद ब्रिज मिल गया, सड़क हो गया। Baby,